हेलो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिएगा ऐसे ही ज़रूरत वीडियो को पाने के लिए। ये वीडियो है ब्लैक फंगस के बारे में। आजकल जब कोरोना का लहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है देश में, तो ब्लैक फंगस का केस सामने आ रहा है, जिसका साइंटिफिक नेम है म्यूकर माइकोसिस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो इससे हम कैसे बचें और ये होता कैसे है, इसको अब हम जानते हैं। जो मतलब डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, उनको ये ज़्यादातर हो रहा है। और स्टेरॉइड का सेवन जो ज़्यादा करता है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। तो इससे बचें और बाहरी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, मास्क लगाएं, ग्लव्स वगैरह पहने रहें। और इसको इसका हम लोग देखते हैं सिम्टम, इसका जो लक्षण है वो क्या क्या है। नाक जाम हो जाना, नाक से काला या लाल स्राव बहना, और सांस लेने में समस्या होती है, और साथ ही साथ आँख में भी जलन होता है, और हमारा जो गाल की हड्डी है और जो होता है अपना जबड़ा वो भी दर्द करता है, और बॉडी पेन तो बना ही रहता है। और इससे जो कोविड के मरीज़ हैं वो कैसे बच सकते हैं इस ब्लैक फंगस से। जो लोग मतलब कोरोना से हाल ही में ठीक हुए हैं, वो अपने शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, उसको मेंटेन रखें, और जो भी दवा मेडिसिन लें वो भी डॉक्टर के सलाह में लें। और शुगर का तो बहुत कम ही ये सेवन करें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ सब लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, मास्क लगाए रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें।